दोस्तों ये है बांदीकुई रेलवे स्टेशन। यहाँ से बालाजी के लिए बसें मिलती हैं। जो भी कोई बालाजी आना चाहता है वो पहले बांदीकुई आएगा ट्रेन से। अगर आना है बाय बस से आएगा तो बस स्टैंड जाएगा। बाकी अगर ट्रेन से आना है दिल्ली से आएगा या कहीं और से भी आना है तो उसे पहले बांदीकुई आना पड़ेगा और उसे बांदीकुई में उतरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से बस और जीपें जाती हैं जो 1-1.5 घंटे में आपको बालाजी मंदिर पहुँचा देगी। वो आपके यहाँ से 50-60 रुपये लेती हैं। ट्रेन ने भी काफ़ी आगे ले जाके उतार दिया, वापस जाना पड़ रहा है। ये ट्रेन मेरठ से आई है जो एक्सप्रेस। आ चुके हैं हम रेलवे स्टेशन से बाहर। बाहर हमें बस या जीप मिलेगी। देखिए यहाँ पर जीपें खड़ी हैं, काफी सारी जीप हैं और कुछ है बसें हैं। सभी बालाजी के लिए जाएंगे। किसी भी बस में आप बैठ जाओ, सब बालाजी के लिए जा रही है। और ये पहले ही मामला। चलो जल्दी करो, चलो चले भी जाए अंदर। कुछ वो आगे बैठ जाएंगे। क्या हो गया? ये बस से उतर चुके हैं हम और आगे थोड़ा आगे मंदिर है। यहाँ पहले धर्मशाला है। काफी सारी धर्मशालाएं हैं। मम्मी काम आ गई है। मम्मी ये आ गए बालाजी के द्वार। यहाँ पर लाइन बहुत लंबी लगी हुई है बालाजी मंदिर में। बोला तो शोर मच जा। मंगल का दिन है और काफी भीड़ है। मंगल और शनिवार में ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। Yeah.
एक मंदिर है सामने वाली पहाड़ी पर है, वो सामने हनुमान जी का मंदिर चेहरा उधर है इनका। शहर में कोई भी कितना मूर्ति तो बाला जीता रहता है। ये हम आ गए हैं पहाड़ की बहुत ऊपर ऊंचाई पे, सामने एक पहाड़ी और है और ये नीचे देखे इतनी ऊंचाई पर आए हुए हैं। बालाजी महाराज के दर्शन करके आ चुके हैं और अंदर मोबाइल अलाउ नहीं रहता, इसलिए अंदर की वीडियो नहीं बनाई जाती है, नहीं फोटोग्राफी की जाती है, केवल बाहर बाहर के लिए अलाउ है। तो काफ़ी भीड़ है, मंगल और शनिवार के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और किसी दिन आएंगे तो इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, थोड़ा लाइन में भी कंट्रोल नहीं रहता, लाइन में उल्टी सीधी चलती है। ये हम आ चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी में, जो हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति है। ये हम
यहाँ पर एक पहाड़ी पर मंदिर है काफी जगह पर, तो अभी फिलहाल वहाँ के लिए चलते हैं और वहाँ पर चलकर देखते हैं कौन सा मंदिर है वो। यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले तो आपको रूम लेना पड़ेगा, उसके बाद अपना नहाना धोना करके उसके बाद आप मंदिर जाएंगे और सुबह शाम की आरती होती है यहाँ पे। सुबह की आरती होती है लगभग आपका टाइम होता है 5:30 से 6:30 बजे के आसपास का, और शाम का होता है 7 बजे के आसपास का टाइम है आरती का। सुबह की आरती लेनी हो या शाम की आरती लेनी हो, और एक बार आरती लेने के बाद बोला जाता है कि फिर रुका नहीं जाता है, फिर सीधे रास्ते में नहीं रुकते, फिर अपने डायरेक्ट कर जाते हैं। ये आगे सामने मंदिर है, बालाजी मंदिर है, ये वैलीपुर वाला है बालाजी मंचा देवी, अभी तो पता तो चला यहाँ। ये आगे मंदिर है, हाँ भाई ऊपर उतर जाएंगे, आ जाओ चप्पल तो बहुत लंबा सफर है। ये ऊपर पहाड़ी का मंदिर है तो इसका रास्ता ये इधर से है। मंदिर है बंदन बंदन कटवाने काली माता का दरबार है, बंदन कट रहे बंदन कटवा। ये काली माती का दरबार है, वो काफी ऊंचाई पर जाकर है, अभी तक काफी दूर है चढ़े। आ जाओ दे जाओ मेरे। हिलाओ ना, बिना हिलाओ वाले भी हैं। ये देख बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये काफी ऊंचाई पर आ चुके हैं हम। सही अपने स्थान पर चलाओ। नहीं 20 की बीमा। लोगे? चला दे। बो भैया तुम्हारी ड्यूटी भी लग रही है। ये इनकी भी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए। ये काली माता जी का मंदिर है, और इधर ये ड्रेस फोटो शूट होता है, ड्रेस में उधर भी चल रहा है फोटो शूट। हेलो, हाँ पढ़ाई पहाड़ी पे चढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो 7 बजे के बाद जाएंगे आरती वारती होगी, भीड़ हाँ हम भारतीय दर्शन करेंगे, अपना लाइन में ना जाने के। तो
ये देखिए कितनी ऊंचाई पर, बहुत ज्यादा ऊंचाई है। अभी तो और काफी ऊपर जाना है, बहुत लंबी चढ़ाई है। लगता है शायद एक मंदिर तो आ गया, और ऊपर जाके पता चले अभी मंजिल पर पहुंचे हैं या नहीं। देखिए कितने पहाड़ी पहाड़ है यहाँ पर। नहीं लगा अभी तो और ऊपर जाना है, ये रहा इधर से रास्ता। अभी नहीं आए जय प्राचीन अंजनी माता मंदिर, बहुत जोर जोर के चलते रहो। चलते रहो भैया, बहुत चढ़ाई है अभी तो। हमने तो सोचा था कि पहुंच गए शायद। ये भी फोटो स्टूडियो है, यहाँ पर फोटो शूट होता है। का तो दिखाई दे रहा है गेट, शायद पहुंच गए, और पहुंचने पर पता चले। आ जाओ आ जाओ जल्दी, आगे कुछ रास्ता लिया अभी तो सामने ही ना। जय माता दी। ये आ गए माता के द्वार। ये भी यहाँ पर फोटो स्टूडियो है, फिलहाल बंद कर रखी है। ये सभी यहाँ पर दुकानें हैं। ये यहाँ पर मंदिर है, ये अभी मंदिर की तैयारी चल रही है। जय माता दी। बस तो बहुत बढ़िया। ये दूसरे दूसरे वाले पे जा रहे हैं, एक पहाड़ पे हम चढ़ चुके हैं, अभी दूसरे पहाड़ की तैयारी है। यहाँ पर ये काफी सारी माता जी हैं। ये पितृदेव बने हुए हैं, ज्यादातर सभी के पितृदेवता हैं यहाँ पर। ये उससे क्या दिक्कत है, इनमें क्या नाम थोड़े ना रहे, कौन किसके हैं। फोटो चल रहा है, और देखिए यहाँ पर ऊँट भी है। बेचारा ऊँट कैसे चढ़ाया होगा यहाँ पहाड़ी पे, अब बेचारा चढ़ गया तो अब उतरेगा कैसे ये नहीं पता।
ये फोटो शूट के लिए ऊँट भी बैठा रखा है, सब फोटो शूट की दुकान है। ये ड्रेसेस है, ये देखिए पहाड़ी पर ही ऊपर ऊपर चल रहे हैं। वहाँ पर ऊँट था और देखिए यहाँ पर ये हॉर्स भी है, घोड़ा। फोटो शूट के लिए सब पहाड़ी पर चढ़ा दिए हैं, बेचारे चढ़ तो गए, उतरेंगे कैसे ये पता नहीं। ये देखो बेचारा सोरा दिख रहा है, ये टाइगर बना हुआ है। ये फोटो वाले हैं, बाकी बहुत ऊंची चढ़ाई है। यहाँ से नेक्स्ट पहाड़ी की तैयारी हो जाएगी। ये करीब करीब 2.5-3 किलोमीटर की चढ़ाई है। ये आगे देखिए ये एक और पहाड़ है, तो ऊपर हमें अभी जाना है ऊपर। यहाँ पर ये होटल बने हुए हैं, क्योंकि सभी थक जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा जलपान की व्यवस्था है। ये देखिए फोटो शूट चल रहा है, चढ़ा दिया बेचारे को ऊँट पर, ऊँट और घोड़ा दोनों है यहाँ पे। और यहाँ पर ये अर्जेंट फोटो है, गले गले फोटो बना कर देते हैं। यहाँ पर तो दो दो टाइगर है। फोटो की दुकानें बहुत सारी हैं यहाँ पर, फोटो की दुकानों की लाइन लगी हुई है, जो भी कोई आता है फोटो ऊपर ही खींचाता है। बेचारे ऊँट सभी दुकानों में है ज्यादातर। इधर ऊँट है और पीछे खाई है, और क्या बैठने को खड़े हुए। बहुत अच्छे, ये इनकी ड्यूटी लगी हुई है पानी ढोने पे और सामान ढोने पे, नीचे से पानी और सामान ढोते हैं। खच्चर देखिए ड्यूटी पर लगे हुए, सामान रखा हुआ है इनके ऊपर। एक ही आया, ये तो अपना सामान छोड़कर भी आ चुका है। चलो बेटा चलो, आजा आजा, लगा रखी इनकी। यहाँ चढ़ाई है, यहाँ पर ये बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है। ये सामने सभी काफी पहाड़, ठंडा नुकसान हो जाएगा अपने होटल का पी लिया। वजन करना बताना,
ये लो जी आ चुका है हम अपनी मंजिल पर। जय जय माता दी। बस जी यहाँ से आगे फोटो वीडियो अलाउ नहीं है, ये लास्ट करेंगे, इससे आगे नहीं होगी। ये है तीन पहाड़ शक्ति स्थल। बहुत औलाद है पर तू मत दे। मोबाइल पे मत दे, गिर जाएगी। पहले चढ़ाई दिया तो चढ़ाई ना है। चढ़ाई दे रहे पैर से जल्दी सीधे नीचे। बहुत ज्यादा भीड़ है। Thank you.